हिंगनघाट में उप जिला अस्पताल की लापरवाही से एक गर्भवती महिला की अपने बच्चे के साथ मौत हो गई। इस खबर को प्रसिद्धि माध्यमों द्वारा प्रकाशित किया गया है। हालांकि उप जिला अस्पताल ने इस घटना से इनकार किया है। 2 मई को वासी के निवासी रूपाली परपत इस गर्भवती महिला को रात के 10:45 बजे उप जिला रुग्णालय के आकस्मिक विभाग में उपचार के लिए दाखिल किया गया। ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टरों ने जांच की, तब डॉक्टर किशोर चासरकर ने उपमंडल अधिकारियों को सौंपा है। चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर किशोर चासरकर ने कहा कि इस प्रकार गलत खबर उन डॉक्टरों का मनोबल गिरा रही है जो कोरोना काल में अच्छा काम कर रहे हैं। इस प्रकार उप जिला अस्पताल में ओपीडी बंद की खबर को गलत बताया है। अस्पताल में सभी ओपीडी कोविड के अलावा सभी उपचार के लिए निरंतर शुरू रहने की बात कही। डॉक्टर किशोर चासरकर, वैद्यकीय अधीक्षक, उप जिल्हा रुग्णालय हिंगणघाट। काही दिवसापूर्वी एक वृत्तपत्रामध्ये जे न्यूज आली होती, बाबा एक गरोदर माता रुग्णालयात उपचार न झाल्यामुळे मृत्यू पावली बाबू, त्याबाबत सांगायचे तर ती महिला आमच्या रुग्णालयामध्ये दोन मेला एक 9:30 दरम्यान आकस्मिक विभागात आली आणि ती ज्या कंडिशनमध्ये आली, एकदम गॅस्पिंग कंडिशनमध्ये आली, शेवटचे श्वास ती घेत होती आणि लगेचच ती महिला मरण पावली आणि जे काही प्राथमिक औषधोपचार करून आमच्या डॉक्टरांनी तपासून शेवटी मग तिला मृत घोषित करण्यात आले। ही महिला, गरोदर महिला, यापूर्वी कधीही आमच्या रुग्णालयात आली नव्हती आणि पोलिसांच्या सांगण्यानुसार तिचा मृत्यूचं कारण निश्चित करण्यासाठी जेव्हा सगळे कागदपत्र पाहण्यात आले तर ती यापूर्वी खाजगी रुग्णालयातूनच तिने उपचार केलेला आहे आणि 2 तारखेला सुद्धा ती 2 वेळा खाजगी रुग्णालयातच गेली आणि दोन्ही ठिकाणी तिला हायर सेंटरला, सेवाग्राम सावंगीला किंवा सावंगीला जाण्यासाठी ॲडवाइस केलेलं होतं। बीसीएन न्यूज के लिए हिंगणघाट से रवि येनुरकर की रिपोर्ट।